सबसे हम अच्छा पसंद करते हैं केजरीवाल को, इसलिए कि नीतीश कुमार जो हैं सीए सुशासन की सरकार के बात की और मोदी जी बोले कि हम अच्छे दिन लाएंगे, तो मोदी जी को भी नहीं पसंद करते हैं। और सबसे अच्छा व्यवस्था शिक्षा के मामले में या और भी डेवलप के मामले में कहा जाए तो केजरीवाल का काम दिल्ली में अच्छा है, और वो आएगा तो पूरे देश में उस तरह से करेगा। राहुल गांधी रहेगा, राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा देख रहे हैं। 400 रुपया पेंशन दिया है बुजुर्ग लोग के, आज तक 500 नहीं नरेंद्र मोदी किया है। 400 रुपया ही पेंशन रह गया, 400 में खाना खा लेगा बूढ़ बुजुर्ग गरीब आदमी। नीतीश कुमार अगर नहीं आते हैं तो फिर राहुल गांधी, पहले प्रायोरिटी आपके नीतीश कुमार हैं। पर नीतीश काम किए हैं इसलिए देखना चाहते हैं। कुछ कुछ काम बताइए नीतीश कुमार के जो आपको बहुत पसंद आए हो। रोड बनाए, शिक्षा भी दिए, शिक्षा भी दिया है, रोड। किसको देखेंगे विपक्ष का चेहरा? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को सबसे पहला प्राथमिकता ही युवाओं को देना चाहिए, उसको काम मिले, उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की जरूरत है, वो भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। हम आज लोगों से जानेंगे कि 2024 के चुनाव में लोगों का पसंद कौन होंगे, क्या राहुल गांधी होंगे या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे, या फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होंगी, या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। आइए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जनता का मूड आखिर क्या है। भैया आप अपना नाम बताइए। सुमिंदर कुमार। तो सुमिंदर सर, आपसे क्वेश्चन है कि मान लिया जाए कि 24 की राजनीति में अगर चार चेहरे हैं उनमें से आपका पसंद कौन सा होगा, राहुल गांधी या फिर ममता बनर्जी को वोट देंगे, या फिर नीतीश कुमार है, या फिर अरविंद केजरीवाल को, किसको देखेंगे आप चेहरा? अब कोई भी जीत सकते हैं, मोदी तो अब सबके लेके साथ विकास लेके जा रहा है, भेदभाव छोटा बड़ा के भेदभाव के चल तो लेके चल रहा है, ये तो बहुत ही ये दूसरा आबे फेस भी ना, मोदी की जगह दूसरा कोई आबे तो बढ़िया रहेगा। तो मोदी की जगह दूसरा कोई चाहिए, तो अगर मोदी जी बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं तो क्यों चाहिए? क्यों चाहिए कि इसलिए चाहिए कि अब भेदभाव हो रहा है ना, जैसे सबके साथ सब विकास ले रहा, सब छोटा अब सब विकास लेके जा रहा है, जैसे अब नहीं रहा, बड़ा रहा छोटा सबकी इज्जत भाव खत्म कर दिया, नीचे वाला जब कास्ट वो नहीं देख रहा है, इज्जत सबको ले रहा है, लूट रहा है, इतने कर रहा है, वो कर रहा है, बहुत बात है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है, वो ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो नीचों को नहीं देख रहे हैं, नीचे स्तर पे जो लोग हैं उन लोगों को बढ़ाने की कोशिश नहीं है? वो तो राष्ट्रपति मुर्मू ने वो उनका पर निर्भर करती है, आपकी किसको प्रति लेके चलेगी, साथ लेके चलेगी, छोटा बड़ा सबको लेके साथ चलेगी। तो मान लीजिए अगर मोदी जी नहीं है तो किसको पसंद करेंगे आप? पहले सोनिया गांधी रहता था, इंदिरा इसमें रहता था, उस अब वही सिम आए तो पहले बड़े बहुत अच्छा बात है। तो मतलब अगर चुनना हो चार जन में से कि राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, फिर उसके बाद नीतीश कुमार हैं बिहार के, राहुल गांधी आ जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। राहुल गांधी। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नंद किशोर शर्मा है। तो नंद किशोर जी, मान लीजिए 2024 के चुनाव से अगर मोदी जी नहीं हैं तो फिर आपका पसंद कौन होंगे, राहुल गांधी या ममता बनर्जी या केजरीवाल जी या अपने नीतीश कुमार? राहुल गांधी रहेगा। राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा देख रहे हैं। अच्छा, भारत जोड़ो अभियान राहुल गांधी जी अभी चला रहे थे, कितने हद तक उसको आप कारगर मानते हैं राजनीति में? बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं। हेलो, 100% राहुल गांधी का यात्रा सुखद और सुखद समाचार मिला है, बहुत अच्छा आ जाएगा, अपनी सरकार में आ जाएगा। मान के चलिए कि नीतीश कुमार जो है वो भी समाधान यात्रा कर रहे थे, लोगों के समाधान जो समस्याएं हैं उनको निकालने के लिए, ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल में लगातार जीत करके आ रही हैं, तो वो भी अच्छा काम कर रही हैं, तो ममता बनर्जी क्यों नहीं? पार्टी जो महागठबंधन का है एक रहेगा उम्मीदवार, अभी नहीं तय किया जाएगा उस समय पर। आप मतलब राहुल गांधी को देखते हैं चेहरे के रूप में? कांग्रेस की जिसी को सपोर्ट करेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल गांधी ने 400 रुपया पेंशन दिया है बुजुर्ग लोग के, आज तक 500 नहीं नरेंद्र मोदी किया है, 400 रुपया ही पेंशन रह गया, 400 में खाना खा लेगा बूढ़ बुजुर्ग गरीब आदमी।
हैं, उसी का इंदिरा गांधी और राहुल गांधी का अथी था वृद्धा पेंशन देना। आज इतना दिन हो गया, 400 से ज़्यादा बढ़वे नहीं करता है उनका, अपना खर्चा उनका इतना है, गरीब का भी महंगाई बढ़ा है ना, 400 रुपया में एक महीना खा लेगा, बोला जाए। विपक्ष का चेहरा किसको देख रहे हैं? मान लीजिए नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में नहीं है, तो फिर किसको पसंद करेंगे आप, राहुल गांधी को या अरविंद केजरीवाल को या नीतीश कुमार जी हैं या फिर ममता बनर्जी को, किसको समर्थन देंगे? नीतीश कुमार अगर नहीं आते हैं तो फिर राहुल गांधी। पहले प्रायोरिटी आपके नीतीश कुमार हैं, क्यों है नीतीश कुमार आपकी प्रायोरिटी? हमारे बिहार से हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, तो जो मतलब कुर्सी बाबू है, कुर्सी पे है तो इसलिए वो काम अच्छा कर रहे हैं ना, काम बहुत किए हैं, सारा रोड बनवा दिए, हर चीज़ कर दिए, और क्या चाहिए। इस तरह देखा जाए तो राहुल गांधी जो है वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, आजकल भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसी तरीके से दिल्ली में लगातार दूसरी बार और पंजाब में भी भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती है, तो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं? वो नहीं अभी चलेंगे, राहुल गांधी उससे अच्छा है। राहुल गांधी उससे अच्छा है और राहुल गांधी से भी अच्छा नीतीश कुमार? नहीं, अभी अपने लिए बोल रहे इधर से। अच्छा। बाकी उनके बाद राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा बनना चाहिए। किसको देख रहे हैं विपक्ष का चेहरा, राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं या केजरीवाल जी हैं या नीतीश कुमार हैं, किसको देख रहे हैं चेहरा? नीतीश कुमार बढ़िया है, काम कर रहा है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को चेहरा देख रहे हैं, राहुल गांधी को क्यों नहीं? राहुल गांधी भी ठीक है मगर नीतीश अभी तो काम कर रहे हैं नीतीश, इसलिए अब राहुल करेंगे देखे हैं नहीं, इसलिए ऊपर नीतीश काम किए हैं इसलिए देखना चाहते हैं। कुछ कुछ काम बताइए नीतीश कुमार के जो आपको बहुत पसंद आए हो। रोड बनाए, शिक्षा भी दिए, शिक्षा में भी आए, रोड रोड भी बनाए। आइए आइए, कुछ बोल रहे थे आप। किसको देखेंगे आप विपक्ष का चेहरा, अगर मान लिया जाए पसंद करना, आपको चुनना हो, चार चेहरे हैं, केजरीवाल जी हैं, राहुल गांधी हैं या ममता जी हैं या फिर नीतीश कुमार है, किसको देखेंगे आप? किस्मत में जिसको मिलेगा वही को देखेंगे भी, और किसको देखेंगे भी आप? किस्मत तय करेंगे क्योंकि वोट आपको देना है, तो आप किसको पसंद कर रहे हैं उनके काम से? अब आगे का दिन आगे दिए भी अखबार ने बताएंगे भी सवाल का जवाब। आगे का दिन आने दें, अखबार ने सवाल का जवाब आगे आगे का दिन का इंतजार कर रहे हैं ये। किसको देखेंगे आप विपक्ष का चेहरा अगर बोला जाए? हाल ही में मीटिंग हुई थी तो राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, किसको देखेंगे विपक्ष का चेहरा? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को? क्या कुछ कुछ ऐसे कार्य बताइए ममता बनर्जी के जो आपको बहुत अच्छे लगे हों? बस अच्छे ही लगे हों, क्या करते उससे मस्त नहीं है। अच्छा, उससे मतलब नहीं है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो क्या उनका काम ठीक नहीं लगा आपको? ना, हमको उनका अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा उसका काम? अच्छा, सबसे अच्छा चांद खान ठीक है भैया, चांद खान की कर भी देता है थोड़ा बहुत, बेली रोड में कर भी देता है थोड़ा बहुत, और क्या करेगा चांद खान। कल्ले देखे कि बेचारा जो कमा नहीं रहा है उसका भी, जो जिसका दुकान नहीं चल रहा उसका तो दुकान टूट गया है। स्थानीय गली वहाँ पर कल्ले हल्ला गाड़ी घुस गया है। अच्छा। राजा भैया ने पूरा तोड़ते तोड़ते गया है। आप मेन बात बता नहीं रहे हैं कि चार चेहरे आप किस में से किसको पसंद कर रहे हैं या किसको देख रहे हैं 24 में? अभी देखिए ऊपर वाला जानता है भैया, अभी देखिए बगल में मंदिर है तो किसको देखना चाहेंगे आप? मान के चलिए कि चार व्यक्ति है उसमें से आप किसको पसंद करेंगे? केजरीवाल जी हैं, नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी हैं, तो आप किसको पसंद करेंगे? सबसे हम अच्छा पसंद करते हैं केजरीवाल को, इसलिए कि नीतीश कुमार जो हैं सीए सुशासन की सरकार के बात की और मोदी जी बोले कि हम अच्छे दिन लाएंगे, तो मोदी जी को भी नहीं पसंद करते हैं। और सबसे अच्छा व्यवस्था शिक्षा के मामले में या और भी डेवलप के मामले में कहा जाए तो केजरीवाल का काम दिल्ली में अच्छा है, और वो आएगा तो पूरे देश में उस तरह से करेगा। केजरीवाल जी का जहाँ काम अच्छा है वहाँ पर केजरीवाल जी पर आरोप भी लगे हैं, लीकर जो मामला था लीकर का, जिसमें सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया अभी भी चक्कर काट रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? देखिए प्रत्यारोप तो लगते रहता है, कभी कभी कुछ लोग हैं कि अच्छे आदमी को ही बदनाम करते हैं, लेकिन हम अपने देश की बात करें कि मोदी जी बोले शराब, बिहार की बात कर रहे हैं तो इनको इससे देश क्या समझेगा कि बिहार में शराबबंदी, शराब खुलेआम बिक रहा है,
मोदी जी बोले देश में काला धन वापस लाएंगे, सबको हाथ में काम देंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या अच्छा दिन आया है? तो जो गांव लेवल पर है, ग्राउंड लेवल पर कौन सा काम बढ़िया हो रहा है उसको हम लोग, हम गांव एरिया से हैं, गांव का स्थिति क्या है वो हमें पता है। अभी वो एक कह रहे हैं हम सस्ते मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, अरे अनाज दे करके भिखमंगा क्यों बना रहे हो, उसको हाथ में काम दो। और जैसे आपने कहा कि मुफ्त में अनाज दे करके भिखमंगा क्यों बना रहे हो, इस तरह फ्री की रेवड़ी तो अरविंद केजरीवाल भी बांट रहे हैं दिल्ली में, तो उसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? वो भी नहीं होना चाहिए, सबसे पहला प्राथमिकता युवाओं को देना चाहिए, उसको काम मिले, उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की जरूरत है, वो भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सुना आपने कि जनता का क्या मूड है, कुछ लोग अब तक जितनी बातचीत हुई उसमें जो लोग बिहार से हैं चूंकि इसलिए वो लोग नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं, कुछ लोगों को केजरीवाल जी पसंद है क्योंकि केजरीवाल अपने क्षेत्र में दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो एक जन को ममता बनर्जी भी पसंद है लेकिन उन्होंने कारण नहीं बताया, तो देखना दिलचस्प होगा कि 2024 की राजनीति में विपक्ष का चेहरा कौन होगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल 23 जून को हुई बैठक में बहुत नाराज चल रहे हैं तो ये भी तय नहीं है कि वो विपक्षी दल के साथ आएंगे या नहीं। देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।